तो आज का पहला मैच बहुत ही रोमांचक हमें देखने को मिला, जो कि यूपी यादव की टीम ने बंगालुरु की टीम को हराया। जी हाँ दोस्तों, जहां पर एक तरफ प्रदीप नरवाल होने वाले थे और एक तरफ माइटी मनी था, तो बेहतरीन मैच हमें देखने को मिलने वाला था। और गेम शुरुआत होते ही इन्होंने दो दो रेड पॉइंट हासिल किए, जहाँ पर पहले ही रेड में माइटी मनिंदर ने दो रेड पॉइंट हासिल किया, उसके बाद प्रदीप नरवाल भी दो रेड पॉइंट हासिल किया, लेकिन कुछ मिनट बाद ये दोनों ही आउट हो गए, जो कि रिवाइव तो हो चुके थे प्रदीप नरवाल, लेकिन मंगलवीर की टीम की तरफ से माइटी मनिंदर रिवाइव नहीं हो पाए और मंगलवीर की टीम जो कि डिफेंस उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई इस मैच में, और यूपी उधर की डिफेंस ने शानदार प्रदर्शन किया और यहाँ पर प्रदीप नरवाल रिवाइव होकर अच्छा परफॉर्मेंस करते नजर आ रहे थे, हर रेड में पॉइंट ला रहे थे, तो यहाँ पर बेहतरीन हमें मैच देखने को मिल रहा था। और फर्स्ट हाफ का स्कोर हमें देखने को मिला, जहाँ पर 8 पॉइंट से लीड कर रही थी यूपी उधर की टीम, जो कि देख सकते हैं स्कोर 19 और 11 का स्कोर रहा था, जो कि डिफेंस उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाता। और सेकंड हाफ शुरुआत होते ही जहां पर प्रदीप नरवाल ने बंगालुरु की टीम को ऑलआउट कर दिया, जो कि एक ही रेड मतलब इन्होंने अपना सुपर 10 पूरा किया सेकंड हाफ में, और माइटी मनिंदर ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था सेकंड हाफ में, जो कि सुपर 10 इन्होंने भी पूरा किया, जो कि सेकंड हाफ में इन्होंने एक सुपर रेड लगाया था और बेहतरीन रहा था इनका। उसके बाद श्रीकांत यादव भी आउट होते रहे थे, जहां पर नितेश ने शानदार प्रदर्शन किया, उसके बाद गुरदीप ने 5 टैकल पॉइंट हासिल किया, जहां पर यूपी योद्धा की डिफेंस ने अच्छा परफॉर्मेंस किया और इस मैच में जीतने का श्रेय जाता है यूपी योद्धा की डिफेंस को जाता है, उसके बाद प्रदीप नरवाल को भी जाता, जो कि प्रदीप नरवाल इस मैच में 14 रेड पॉइंट हासिल किए, जो कि सेकंड हाफ में स्कोर हमें देखने को मिला था 33-32 का। एक ही पॉइंट से यूपी योद्धा की टीम इस मैच को जीती है। अगर वहीं पॉइंट टेबल पर नजर डाले तो पॉइंट टेबल में तीसरे स्थान पर यूपी योद्धा की 60 पॉइंट के साथ हमें देखने को मिलती है, जो कि अगर बंगालुरु की बात करें तो बंगालुरु हमें 7वें स्थान पर देखने को मिलती है, जो कि बंगालुरु के लिए बेहद मैच जरूरी होने वाला था जीतने के लिए।